पहले ही कहना ठीक रहेगा कि ये वीडियो साइंस के ऊपर बात करने से लेकर कुछ कॉम्प्लेक्स टॉपिक पे नहीं जाएगा। बहुत ही सिंपल सी लैंग्वेज में इस वीडियो में आपको नॉलेज दिया जाएगा। तो हम सबको पता है कि अभी पूरा हिंदुस्तान बहुत ही प्राउड फील कर रहा है, क्योंकि चंद्रयान 3 अभी चांद पर है और ये इसरो का एक सक्सेसफुल मून मिशन है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इसरो का नेक्स्ट स्पेस मिशन क्या होने वाला है? तो आप स्क्रीन पे एक बार नजर डालिए। यहाँ पे आप लोगों को 4 मिशंस दिखाई देगा और ये 4 मिशंस एक के बाद एक इसरो सक्सेसफुली कंप्लीट करेगा। तो पहला जो मिशन है उसके बारे में पहले बात कर लेते हैं। आदित्य L1 इंडिया का पहला ऐसा स्पेस मिशन होगा जो सूरज के ऊपर स्टडी करेगा। इस मिशन में रिसर्च करने वाली स्पेसक्राफ्ट को पृथ्वी और सूरज के बीच में L1 पॉइंट पर रखा जाएगा, जहां से धरती 1.5 मिलियन किलोमीटर दूर होगी। आप इस इमेज में देख के समझने की कोशिश कीजिए कि L1 पॉइंट एक्चुअली में कहां है। इस जगह पर स्पेसक्राफ्ट को रखने का एक मेजर कारण ये है कि यहां से सूरज को कंटिन्यूअसली देखा जा सकता है इक्लिप्स के टाइम पे भी। एक्चुअली आदित्य L1 स्पेस में सोलर एक्टिविटीज के ऊपर नजर रखेगा और इन एक्टिविटीज का स्पेस वेदर के ऊपर क्या इफेक्ट होता है उसके ऊपर भी रिसर्च करेगा। चंद्रयान 3 की सक्सेस को देखते हुए इसरो ने यह फैसला किया है कि आदित्य L1 को अगले ही महीने 2023 2 सितंबर को आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया जाएगा। एक्सपोसैट, आइए अब बात करते हैं इसरो की नेक्स्ट स्पेस मिशन एक्सपोसैट के बारे में। एक्सपोसैट का पूरा नाम है एक्सरे पोलारिमीटर सैटेलाइट और इसका काम है स्पेस में बड़े बड़े चीजों के ऊपर रिसर्च करना, जैसे कि न्यूट्रॉन स्टार्स और ब्लैक होल्स के ऊपर। और हाँ, अगर आप ब्लैक होल के बारे में डिटेल में जानना चाहते हैं तो आपको हमारे चैनल में ही एक डिटेल वीडियो मिल जाएगा। ये एक्सपोसैट 2 अलग कॉम्पोनेंट से बना है, पॉलिक्स और एक्सपेक्ट, सॉरी अगर प्रोनाउंसिएशन गलत हुआ तो। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में जानना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको इसरो का लिंक मिल जाएगा। निसार, थर्ड आते हैं निसार, जिसका फुल फॉर्म है नासा इसरो सार। निसार को धरती के लोअर ऑर्बिट में रखा जाएगा। ये सैटेलाइट 12 दिनों में संपूर्ण धरती की एक मैप बना लेगा और उस मैप को धरती पे साइंटिस्ट के पास भेजेगा। ये मैप्स विभिन्न प्रकार के होगा, जैसे धरती की इकोसिस्टम, आइस की मास, सी लेवल की वृद्धि, ग्राउंड वाटर, नेचुरल हैज़र्ड से लेकर अर्थक्वेक, वोल्केनोस और विभिन्न प्रकार की होगी। इस मिशन को अंजाम दिया जाएगा जनवरी 2024 को। स्पेडेक्स, और आखिरी वाला है स्पेडेक्स। इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं है हमारे पास। इस मिशन को कुछ सालों के बाद अंजाम दिया जाएगा, तो इसरो ने इसके बारे में ज्यादा इन्फॉर्मेशन पब्लिक नहीं किया है। बस इसका फुल फॉर्म है स्पेस डॉकिंग एक्सपेरिमेंट। आप अगर इन सब स्पेस मिशन के बारे में डिटेल में जानना चाहते हो तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप डिटेल में देख सकते हो इन मिशन के बारे में, जो कि एक्चुअली में इसरो का लिंक है। और अगर आप इसरो के सक्सेस से प्राउड फील करते हो तो वीडियो को एक लाइक कर देना, और हिंदुस्तानी हो तो सब्सक्राइब जरूर करना।